नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व में 3 लेक्चर अपलोड किए गए हैं और ये इसी क्रम में जो है कंटिन्यू करते हुए हम कृषि के बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण जो संदर्भ और उसके पक्षों को जो है आज विश्लेषण करने का जो प्रयास करेंगे। इसी के संदर्भ में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसे सीएसीपी के नाम से जाना जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था और उस समय इसका नाम जो है कृषि मूल्य आयोग था। बाद में जो है 1985 ईस्वी में इसका नाम बदल करके वर्तमान नाम यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। इसका मुख्य काम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का अध्ययन और अवलोकन करते हुए लागत हुआ, बाजार का मूल्य हुआ, मौसम की दशा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मूल्य का जो है निर्धारण करना और सरकार से उसकी अनुशंसा करना। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना आवश्यक है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं करता है बल्कि उसकी अनुशंसा करता है, उसका निर्धारण और अनुशंसा करता है और घोषणा करने का काम संबंधित सरकार के द्वारा किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इस तरीके के फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करने के पूर्व में उसके लागत की अवधारणा को महत्वपूर्ण रूप में लेता है। तो यहाँ पर लागत की दो अवधारणाएं C2 और C3 जो है एक अवधारणा है जिसको समझ लेना आवश्यक है कि C2 अवधारणा में जो है इसमें किसानों के द्वारा फसल उत्पादन के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले नगद एवं वस्तुओं के रूप में सभी खर्चे प्लस भूमि का जो है किराया, तीसरा पारिवारिक जो श्रम है उसका मूल्य और चौथा पूंजी से संबंधित ब्याज, इतनी चीजों को इसमें चार चीजों को जो सम्मिलित किया जाता है। और C3 अवधारणा में जो C2 का जो मूल्य है उसके 10% मूल्य को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में जोड़ा जाता है तो ये C3 हो जाता है, यानी कि C2 प्लस C2 का 10% जो है C2 प्लस जो है C2 का जो है 10% ये जो हो जाता है C3 कांसेप्ट। तो इस प्रकार से लागत के संदर्भ में C2 और C3 की अवधारणाएं आपको समझ में आएंगी। नोट्स जब आप देखेंगे जो है तो वहां पे चीजें क्लियर होंगी कि इसमें जो है सबसे पहली बात तो लागत में यही होता कि नगद कितना जो है व्यय किया जा रहा है और वस्तुओं के रूप में जैसे जो आगतें होती हैं वो प्लस भूमि हो गया, प्लस श्रम हो गया, प्लस जो है इसके साथ साथ में जो लागत पूंजी से संबंधित पूंजी से संबंधित उसके ब्याज होंगे उसको जोड़ लिया जाता है। तो ये C2 की अवधारणाएं आ जाती हैं और इन C2 की जो अवधारणाओं में जो है अगर 10% और जोड़ लिया जाता जो कि प्रबंधकीय श्रम में तो वो C3 की जो है अवधारणाएं हो जाती हैं। यह जो है किसी भी उपज के लागत को व्यापक दृष्टिकोण से देखने का एक तरीका और नजरिया है। तो ये जो है C3 अवधारणाएं हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो है न्यूनतम प्रतिफलात्मक मूल्य एक ये भी होता है, न्यूनतम प्रतिफलात्मक जो है मूल्य। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन के द्वारा इस बात को जो है स्पष्ट किया गया था और सरकार से अनुशंसा की गई थी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कि जो भी किसानों के द्वारा लागत लग रही उसका कम से कम 50% जो है किसानों को लाभ के रूप में मिलना चाहिए, उसी को न्यूनतम जो है प्रतिफलात्मक मूल्य कहा गया है। और किसान आयोग के द्वारा और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा 2008 और 9 से जो है न्यूनतम प्रतिफलात्मक मूल्य देने की जो है सिफारिश की जाती रही है। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखना आवश्यक है कि 2009 ईस्वी से गन्ने के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर उचित एवं लाभ कर मूल्य दिया जा रहा है। तो यह एक ऐसी फसल है जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय जो है उचित एवं लाभ कर मूल्य दिया जाता। किस फसल को दिया जाता? गन्ने को दिया जाता। कब से दिया जाता? 2009 से दिया जाता।
किसकी मूल अनुशंसा थी, कृषि किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। तो यहाँ पर ये चीजें आपको जो है समझ में आई होंगी। सी टू का कॉन्सेप्ट एक है, दूसरा सी थ्री का कॉन्सेप्ट है, तीसरा जो है न्यूनतम प्रतिफलात्मक मूल्य है, और चौथा जो है वो उचित एवं लाभकर मूल्य है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से संबंधित जो अवधारणाएं थी जिसे यहां पर स्पष्ट किया गया है। अब हम एमएसपी के बारे में थोड़ा सा चर्चा यहां पे करेंगे। एमएसपी को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एमएसपी यह मूल्य की एक स्थिति और अवधारणा है, इसके साथ साथ कुछ और मूल्य की अवधारणाएं होती हैं, तो उसको भी हम लोग जो है देख लेंगे। प्रोक्योरमेंट प्राइस, अगला है इश्यू प्राइस, निर्गमन मूल्य यानी कि जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, पीपी यानी प्रोक्योरमेंट को जो है वसूली मूल्य भी कहा जाता है, और इशू मूल्य जिसे निर्गमन या निर्गमन मूल्य जो है कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के मूल्य की अवधारणा है। खैर फिलहाल हम लोग एमएसपी को पहले जो है कवर करने का प्रयास करेंगे कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा 23 प्रकार की जो है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन, अब 23 प्रकार की कुल फसलों के लिए जो है मूल्य की अनुशंसा करता है। इसमें 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्लस एक फसल के लिए वो जो है उचित एवं लाभकर मूल्य की जो है वह अनुशंसा करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। प्रोक्योरमेंट प्राइस, खरीदी खरीद किए जाने वाली मूल्य या वसूली मूल्य इसको कहा जाता है। यह फसल के जो है शुरुआत में, फसल के बुआई के जो है शुरुआत में ही जो एमएसपी की घोषणा सरकार के द्वारा दी जाती है, और इसकी घोषणा इसलिए की जाती है कि ताकि विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव से किसानों को एक निश्चित मूल्य देने की गारंटी प्रदान किया जाता है, किसानों को आत्मविश्वास होता है और वो निष्ठा के साथ खेती का कार्य करते हैं, इसलिए एमएसपी की घोषणा यहाँ पर की जाती है। दूसरी बात यह है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस इस बात पर डिपेंड करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में क्या जो है संबंध है। यदि बाजार मूल्य कम होता है तो वह एमएसपी पर जो है सरकार खरीद कर लेती है, क्योंकि बाजार मूल्य से ज्यादा वहां पे मिल जा रहा, किसानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन यदि बाजार मूल्य बढ़ जाता है तो सरकार बोनस दे करके जो है किसानों के फसल का को जो है खरीदती है, तो वह स्थिति होती है प्रोक्योरमेंट प्राइस, यानी कि जो आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो एमएसपी की या तो बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा, उससे कम किसी भी स्थिति में नहीं होगा। अगला है जो है निर्गमन प्राइस। इसके अंतर्गत जो अभी हम लोग देखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है सरकार एनएफएस से वर्तमान समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें कम मूल्य पर यानी कि चावल गेहूं और मोटे अनाज को अपने नागरिकों को जो है निर्गमित कर रहा है, और यह मूल्य सब्सिडी पर दे करके बहुत ही कम मूल्य पर जो है निर्गमित किया जाता है। यानी कि सरकार जो है खरीद के बाद प्राप्त खाद्यान्न को जब जनता में वितरित करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी देकर के अत्यंत कम दरों पर जनता के लिए निर्गमित करता है, तो वह निर्गमित मूल्य होता है, और यह जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस के मूल्य से काफी कम होता है। इसका उद्देश्य मूल रूप में अगर देखा जाए तो इसका मूल उद्देश्य जो है वो जनता को कम धनराशि या कम मूल्य पर जो खाद्यान्न को मुहैया करा करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के उद्देश्य को पूरा करना है, भूखमरी और कुपोषण को जो दूर करना है। तो इस तरीके से एमएसपी, पीपी और आईपी के संदर्भ में आपने अवधारणाओं को देखा जो कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से पूरी तरीके से संबंधित। तो इस पे बाकायदा प्री और मेंस दोनों ही लेवल पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको जो है समझ में आ गया होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब इसी से संबंधित कुछ और जो है अवधारणाएं हैं जिसे हम यहाँ पर जो है देखेंगे और जो समझने का प्रयास करेंगे। भंडारण, वेयर हाउसिंग, कृषि के संदर्भ में जो है हमेशा से एक समस्या रही है भंडारण की। भंडारण एक ऐसी स्थिति और एक ऐसा समय होता है जब भी फसल के जो है पकने और कटने के बाद उपभोक्ता के पहुंचने के बीच के समय में खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता है। यह देश में जो है कृषि की एक जो है समस्या भी भारत में रही है, क्योंकि अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी के कारण से जो है फसलों की भंडारण क्षमता जो है देश में कम है, या ये कहा जाए कि गुणवत्तापूर्ण भंडारण की क्षमता कम है, तो ये सही होगा।
तो इस कारण से जो खाद्यान्न की सड़ने की समस्या होती है, और कई बार जो सुप्रीम कोर्ट को भी जो इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है कि यदि सरकार खाद्यान्न को सुरक्षित रखने में जो असफल है तो वह गरीबों में क्यों ना बांट दे। तो ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ये बताता है कि भारत में अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी है, भंडारण की क्षमता की कमी है, और यदि भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जाए तो खाद्यान्नों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में हम लोग सफल हो जाएंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में भंडारण के संदर्भ में कई प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को हम लोग यहां पर देखेंगे कि एक तो इसमें व्यवस्था जो है एफएसडी फूड स्टोरेज डिपो जो कि एफसीआई के माध्यम से जो है संपन्न की जाती है। दूसरी व्यवस्था जो है सीडब्ल्यूसी की है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, ये जो केंद्र की जो है व्यवस्था होती है, केंद्रीय जो व्यवस्था जिसके अंतर्गत अवसंरचनात्मक ढांचे होते हैं, और स्टेट पूल के अंतर्गत जो खाद्यान्न होता है वो यहाँ पे जो है सुरक्षित। यद्यपि आज की डेट में स्टेट पूल का कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया गया है, सीडब्ल्यूसी हो गया, और इसके बाद एसडब्ल्यूसी होता है, स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। ये राज्य के द्वारा बनाया गया एक जो ढांचा होता है, वेयर हाउसिंग का केवल कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, वेयर हाउस किया जाता है, इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं होता, परचेज में इसका कोई रोल नहीं होता। ये दोनों ही जो संस्थाएं जो है वो इनका रोल केवल वेयर हाउसिंग से रिलेटेड होता है। एक अगला जो है प्राइवेट सेक्टर को दिया गया जिसे पीईजी के नाम से जो जाना जाता है, यानी कि प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप गोडाउन, निजी उद्यम भंडार गृह जिसे हिंदी में कहा जाता है, यह निजी क्षेत्र के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। ये चार प्रकार के जो भंडारण की स्थिति जो है देश में वर्तमान समय में विद्यमान है, एफएसडी है, फूड स्टोरेज डिपो, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप गोडाउन, ये चार प्रकार के जो भंडारण की स्थिति जिसके माध्यम से खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। ये तो कहीं ना कहीं एक संगठित ढांचा है सरकार के स्तर पर, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी किसानों के पास इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि वो मूल्य प्राप्ति करने के लिए जो है जब भी मूल्य का एक चक्र होता है, जब भी अपने टॉप पर पहुंचता है प्राइस, उस समय तक के लिए सुरक्षित रख पाएंगे, इसलिए उनको औने पौने दाम पर अपने खाद्यान्न को भेजना पड़ता है। खैर, हम एक भंडारण की व्यवस्था पीडीएस की व्यवस्था के अंतर्गत जो देख रहे हैं, सरकारी ढांचे के अंतर्गत देख रहे हैं, इसलिए अभी हम कृषकों को इससे हटा कर देखते हैं। तो ये भंडारण की जो व्यवस्थाएं होती हैं इसके अगर हम उद्देश्यों को देखें तो इसके उद्देश्यों में जो ये बातें आती हैं कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से खाद्यान्न की जो है भंडारण को बनाए रखना होता है, मूल्य उतार चढ़ाव से जो है बचाना होता है, मांग पूर्ति में जो संतुलन बनाना होता है, और बफर स्टॉक को जो है मेंटेन करना होता है। बफर स्टॉक एक ऐसी स्थिति जिसमें आपातकाल में जो है खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर भंडारण के अंतर्गत जो है जो ये व्यवस्था रखी गई है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं जो है गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है, मूल्य उतार चढ़ाव को जो रोकना है, मांग पूर्ति की जो है संतुलन बनाए रखना है, और बफर स्टॉक को मेंटेन करना है। यह जो है भंडारण एवं वेयर हाउसिंग का जो है कहीं ना कहीं एक उद्देश्य जो है भारत के इस प्रकार के ढांचे के अंतर्गत जो बनाया गया है। अभी इसमें एक शब्द आता है बफर स्टॉक, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक खाद्यान्न के भंडारण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपातकाल या विशेष प्रकार की परिस्थितियों से खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खाद्यान्न की एक निश्चित मात्रा का भंडारण किया जाता है। एफसीआई को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वह इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है स्थापित किया गया था। इसमें चावल और गेहूं की जो है मात्रा को जो है चावल गेहूं की मात्रा को जो है तीन माह के आधार पर, तिमाही आधार पर जो है भंडारित किया जाता है ताकि विशेष प्रकार की स्थिति से जो है निपटने में जो है आसानी हो सके। तो बफर स्टॉक का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक निश्चित मात्रा में हम बैकअप बनाए रखते हैं खाद्यान्न का, अगर कोई देश के सामने समस्याएं आती हैं तो इसी खाद्यान्न से जो देश की आवश्यकता की पूर्ति। मूल्य स्थिरीकरण कोष, ये भी इसी चैप्टर के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी, मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। यह वाणिज्यिक या व्यावसायिक किस्म के फसलों के मूल्यों के उतार चढ़ाव को ध्यान में जो है रखा गया था, यानी कि मूल्यों के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए इसे स्थापित किया गया था 2004 ईस्वी में। मूल्य स्थिरीकरण कोष, इसमें चार प्रकार की फसलें थी, चाय था, कॉफी, तंबाकू
चाय, काफी, तंबाकू और रबर। नगदी या ये कहा जा सकता है कि व्यवसायिक किस्म के फसलों में होने वाले मूल्यों के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए 2002 ईस्वी में मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई है। इससे भी सवाल पूर्व में जो है पूछे गए हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है यहाँ पे सम्मिलित जो है किया गया है, तो मूल्य स्थिरीकरण कोष था। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाल फिलहाल की प्रगति पर आधारित है, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जो है संबंधित है, और इसके माध्यम से लोगों को या विशेष करके समाज के निचले तबके के जो है भोजन की आवश्यकताओं में जो है एक गारंटी देने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया है। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में इसके ज्यादातर जनसंख्या को कवर करने का प्रयास किया गया, शहरी क्षेत्रों में भी 50% जनसंख्या को कवर करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक जो है विधिक अधिनियम है, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि यदि सरकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में जो असफल होती है या किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न की सुरक्षा देने में असफल होती है, तो ऐसी स्थिति में वह जो है उस व्यक्ति को भत्ता देगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यदि खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा तो उसके एवज में उसको भत्ता दिया जा रहा है, ताकि उसके जो है खाद्यान्न से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना संभव हो सके। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र के जो है 50% और ग्रामीण क्षेत्र के 67% जनसंख्या को इसमें जो है 75% जनसंख्या को इसमें सम्मिलित किया गया है, और कुल जनसंख्या का जो है वो 67% जनसंख्या को इसमें कवर करने का जो प्रयास किया गया है। तो यह एक बहुत बड़ी जो है संख्या है जिसके माध्यम से वर्तमान समय में जो है खाद्यान्न को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें एक और बात है कि इसमें जो भी गर्भवती महिलाएं या 0 से 14 वर्ष के जो है आयु वर्ग, 0 से 6 वर्ष के जो 6 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हें पका पकाया भोजन जो उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें गर्भवती महिलाएं भी हैं और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दोपहर का भोजन जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक व्यापक व्यवस्था है जिसके माध्यम से खाद्यान्न की जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार जो है प्रयासरत है। यद्यपि यह जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो है अगला कदम या अगला जो है प्रयास था, इसके पूर्व में भी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है कुछ व्यवस्थाएं थी जिसको हम ऐतिहासिक क्रम में जो है लेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस वर्तमान समय में यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है, स्वतंत्रता के समय ही से 1950 ईस्वी में जो है प्रारंभ कर दिया गया था, जिसके माध्यम से लोगों को उनकी बुनियादी या मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रयास करती थी, उसके लिए नियम बनाती थी ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। इसके जो है अंतर्गत 6 अंग को जो है सम्मिलित किया गया, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, सरकारी जो है सस्ते गल्ले की दुकान, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, सहकारी उपभोक्ता भंडार, सहकारी उपभोक्ता भंडार, नियंत्रित उपभोक्ता भंडार, नियंत्रित उपभोक्ता भंडार, नियंत्रित कपड़ा बाजार, नियंत्रित कपड़ा बाजार, सुपरमार्केट या सुपर बाजार, मिट्टी का तेल या सॉफ्ट कोक डिपो, 6 प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी। यद्यपि अलग अलग राज्यों में
सरकारों के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया, अलग अलग तरीके की जो व्यवस्थाएं, अलग अलग प्रकार के जो है महत्वपूर्ण जो है आवश्यकताओं को इसमें शामिल किया गया, कहीं कहीं पर जो इसमें सॉप यानी कि साबुन को भी सम्मिलित किया गया। तो इस तरीके से कुल मिला करके लोगों की जो है बुनियादी और मूलभूत जो सुविधाओं को पूरा करने के लिए, ताकि उनके जो है खाद्यान्न और दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाना जो है संभव हो सके, इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये 1950 में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में जो प्रारंभ किया गया। 1992 में इसमें आकर के जो है 1992 में जो है नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ किया गया। 1992 में नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका उद्देश्य था कि पहाड़ी क्षेत्रों में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में और मरुस्थलीय जो क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों के क्षेत्रों में, इन चार प्रकार के क्षेत्रों में जो खाद्यान्न का निर्गमन होता था वो 50 रुपये के जो है कम मूल्य पर जो है निर्गमन किया जाता था। 1997 ईस्वी में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई गई। इसके अंतर्गत जो है गरीबी रेखा के नीचे BPL जो है परिवार और अंत्योदय के रूप में जो है कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया, और इसके अंतर्गत जो है 35 किलोग्राम खाद्यान्न की जो है उपलब्धता जो सुनिश्चित की गई 1997 ईस्वी में। यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में था, यह नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली था। और 2000 ईस्वी में आकर के जो है AAY कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया, जिसे अंत्योदय अन्न योजना के नाम से जाना जाता था। पहले इसमें जो 25, बाद में इसमें 35 किलोग्राम दिया जाता था। वर्तमान समय में भी यह योजना अभी उसी रूप में जो है संचालित हो रही है, और इसके साथ में NFSA के अंतर्गत जब लागू किया गया तो एक PHEH योजना प्रारंभ की। वर्तमान समय में खाद्यान्न वितरण में AAY और PHEH यही दोनों ही जो योजनाएं संचालित हैं, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड और अंत्योदय अन्न योजना के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि पात्र गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के रूप में इसे जाना जाता है। PHEH के अंतर्गत जो खाद्यान्न है वो 3 रुपये किलोग्राम चावल, 2 रुपये किलोग्राम गेहूं और 1 रुपये किलोग्राम की दर से मोटे अनाज को जो दिया जा रहा है। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी 1950 के आसपास प्रारंभ की गई, 1992, 1997 और 2000 ईस्वी में इसमें परिवर्तन किया गया। 2013 ईस्वी में इसे जो है विधिक कानूनी ढांचा जो देने का प्रयास किया गया, ताकि यदि सरकार किसी भी व्यक्ति तक खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं कर पाती है तो वह उसको जो है भत्ता दे और उसके योज में वो अपने खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति करना सुनिश्चित कर सके। तो यह व्यवस्था कुल मिलाकर के थी जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है कृषि से संबंधित जो है कुछ व्यवस्थाएं जो कि हम लोग आज के इस लेक्चर में जो है लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो कृषि व्यवस्था के जो है 5वें और अंतिम लेक्चर को लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग कृषि के जो सभी महत्वपूर्ण पक्षों का विश्लेषण करके इस सब लेसन को समाप्त कर देंगे। तो आज के लेसन में जो बस इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।